जय सेवा दोस्तों, आज के इस वीडियो में डॉक्टर मोती रमण कंगाली के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। आचार्य मोती रमण कंगाली जी का जन्म 2 फरवरी 1949 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक तहसील के दुलारा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक गोंड समुदाय के तिरका जी कंगाली दादा के परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम मोती रामन कंगाली था, जिसे इन्होंने विरोध में बदल कर राम की जगह रावण लिखना शुरू किया। डॉक्टर मोती रामन कंगाली गोंड आदिवासी लेखक गोंडी भाषा की लिपि व व्याकरण बनाने के कारण लोकप्रिय रहे। डॉक्टर मोती रमण कंगाली का दावा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपियां गोंडी भाषा में पढ़ी जा सकती हैं। इन्होंने यह प्रस्तावना भी की कि गोंड लोगों का आगमन सिंधु घाटी से हुआ होगा और उनके माताजी का नाम रायताड़ कंगाली था और पिताजी का नाम छतीराम कंगाली था। इनके परिवार की बात करें तो 5 भाई बहनों में से मोती रमण कंगाली सबसे बड़े थे और 2 छोटे भाई और 2 बहनें भी थीं। दोनों भाई अभी भी गांव में रहते हैं और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। आचार्य मोती रमण कंगाली जी की शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा गांव के निकट ही प्राथमिक पाठशाला करवाही में हुई, जहां पर उन्होंने 4th कक्षा तक पढ़ाई की। माध्यमिक शिक्षा 5वीं से 8वीं तक आंग्ल पूर्व माध्यमिक विद्यालय पोथिया पालोरा से हुई, जो दुलारा गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर था, इसलिए वहीं से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई शुरू की। वे अपने 8वीं बोर्ड की परीक्षा 1966 में उत्तीर्ण किए। इसके बाद 9वीं की पढ़ाई करने के लिए रामटेक तहसील गए। उसके बाद नागपुर के हेड्स हाई स्कूल में दाखिला लिया और वहीं से वर्ष 1968 में अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी पास किए। वर्ष 1972 में धर्मपेठ महाविद्यालय नागपुर से स्नातक की परीक्षा में पास हुए। अगले वर्ष में अपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट नागपुर से साथ ही एमए की परीक्षा पास किए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सन 2000 में पीएचडी की उपाधि मिली। अब इनके नौकरी की बात करें तो वर्ष 1976 में नौकरी के लिए चयन हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नागपुर टकसाइल में नोट एंड करेंसी एग्जामिनर के पद पर हुआ। सरकारी नौकरी में आने के बाद उनका विवाह रायताड़ चंद्रलेखा रूप सिंह पुसाम से संपन्न हुई। इनके 3 बेटियां हैं, जिनके नाम श्रृंखला कंगाली, वेरुंजली कंगाली, विनती कंगाली है। श्रृंखला कंगाली IRS अधिकारी हैं और विनती नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। इन दोनों का विवाह हो चुका है और मंजली बेटी वेरुंजली ने भी मराठी साहित्य में MPhil किया है और वर्तमान में ये नागपुर में रहकर जॉब कर रही हैं और माँ के कार्यों में हाथ बटाती हैं। डॉक्टर मोती रमण कंगाली जी को बचपन से ही पढ़ने लिखने में मेवाधी और हमेशा अध्ययन करते रहने का शौक था। इसी क्रम में गोंडी भाषा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया तथा बहुत सारी पुस्तकें गोंडी भाषा को लिखने और पढ़ने पढ़ाने के लिए आम जनमानस को उपलब्ध करवाई। अब गोंडी भाषा को देवनागरी में लिखकर आम लोगों तक पहुंचा दिया। आचार्य मोती रमण कंगाली के गुरु
बानाजी मशकोले जो कचारगढ़ के पास ही गांव के मोहारू टोला के रहने वाले थे, आचार्य मोती रावण कंगाली को इस गुफा के बारे में बताया। उस गुफा में वहां के रहने वाले स्थानीय गोंड निवासी गोंगो पूजा पाठ करने जाया करते थे। तब मोती रावण ने इस के बारे में अध्ययन किया और बहुत सारे प्रमाण जुटाए और इसके बारे में अपने सहयोगी को बताया। इस गुफा के बारे में बहुत से अंग्रेज लेखकों ने भी काफ़ी पहले वर्णन किया है, इसके धार्मिक महत्व को बताया है। वर्ष 1980 में आचार्य मोती रावण कंगाली के नागपुर आवास पर गोंडवाना बैंक की अवधारणा देने वाले तिरुमाल केशव बानाजी मशकोले और भोपाल से गोंडवाना दर्शन के संपादक सुनहर सिंह तराम मिले और तीनों ने कचारगढ़ की पहली यात्रा की और अगले कुछ वर्षों में कचारगढ़ को कोइतुरो गोंडों के धार्मिक स्थान के रूप में चिन्हित किया। और इसी क्रम में वर्ष 1984 की माघ पूर्णिमा के दिन इन तीनों लोगों के साथ दो अन्य लोग तिरुमाल भारतलाल कोराम और गोंडवाना मुक्ति सेना के सर सेनापति शीतल कौड़ू मरकाम ने पहली बार गुफा की धार्मिक यात्रा शुरू की। इस वर्ष ये पहला कार्यक्रम हुआ और केवल यहीं पांच लोग टेंट में रहकर और पत्रिका गोंडवाना दर्शन में इस यात्रा और मेले का विस्तार में प्रचार किया गया, जिनका नाम मोती रावण कंगाली, शीतल कौड़ू मरकाम, सुनहर सिंह तराम, गुरु केशव बानाजी मशकोले, भारत लाल कोराम। और वर्ष 1986 में फिर दादा हीरा सिंह मरकाम भी इस यात्रा में से जुड़े। फिर धीरे धीरे हर साल माघ पूर्णिमा के दिन कई प्रदेशों से कोइतुर लोग इस यात्रा कचारगढ़ में भाग लेने लगे। इस प्रकार 1986 में केवल तीन लोग द्वारा शुरू किया गया, आज इस यात्रा में 40 वर्षों के बाद लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। आचार्य मोती रावण कंगाली यह उनकी धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जो हजारों वर्षों के खोया हुआ खोया पुनेम इतिहास को फिर से स्थापित कर दिए हैं। इसी क्रम में आचार्य मोती रावण कंगाली ने गोंड कोइतुरों के धार्मिक स्थानों को हिंदुओं के कब्जे से मुक्त कराया। हिंदुओं ने गोंड पुरखों के बदले अपने देवी देवताओं को स्थापित कर रखा था। डॉक्टर कंगाली ने इस विषय पर भी कार्य किया और आम जनमानस में कई किताबें लिखकर इन देवी देवताओं को स्थान को सच्चाई सबके सामने ले आए। गोंडी धर्म दर्शन कोयापुनेम को स्थापित और प्रचारित करने के लिए उन्होंने भूमका पुरोहित महासंघ की परिकल्पना की और उसका प्रचार प्रसार शुरू किया, जिसे बाद में तिरुमाल रावण शाह इनवाती को सौंपकर खुद लेखन में व्यस्त हो गए। डॉक्टर मोती रावण कंगाली जी की धर्मपत्नी चंद्रलेखा कंगाली स्वयं एक समाजशास्त्री और विद्वान लेखिका हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने गोंडवाना के सांस्कृतिक इतिहास को दुनिया के सामने लाए और गोंडवाना के प्राचीन गौरव को कोइतुर जन पहचान सके। गोंडी भाषा के क्षेत्र में इन्होंने अनेक कार्य किया और गोंडी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने के अपना पूरा समर्थन और सहयोग भी दिया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इतनी प्राचीन भाषा, जिन भाषा को बोलने वाले करोड़ों की संख्या में है, जिसका अपना सुंदर व्याकरण और लिपि है, उसे भारत सरकार की अनदेखी झेलनी पड़ रही है। और इतना संघर्षों और
आंदोलनों के बाद भी गोंडी भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिल पा रहा है। गोंडी भाषा को लेकर आचार्य मोतीराम और कंगाली बहुत ही चिंतित, वे कहते थे कि भाषा के बिना किसी भी संस्कृति के अंदर नहीं उतरा जा सकता है, और अगर किसी संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसकी भाषा को खत्म कर दो। इस देश में गोंडी भाषा के साथ यही हो रहा है। अगर गोंडी भाषा नहीं रहेगा तो गोंड गोंडवाना की कल्पना ही बेमानी हो जाएगी, और प्राचीन गौरवशाली संस्कृति और उसको मानने वाले लोग भी एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। यह एक बड़ी चिंता का विषय है। अब इनके मृत्यु की बात करें तो 30 अक्टूबर 2015 को हुआ, अतः 74 वर्ष तक जीवित रहे, इसके बाद पेनवासी हो गए। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गोंडवाना की बात पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस करें। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय जोहार।